सोचों यार सर्दियां शुरू हो चुकी है और सर्दियां आती सब ने गर्म पानी में नहाना शुरू कर दिया। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके में चुल होती है, क्या ठंडे से नहाएंगे, कितने भी ठंडे हो ठंडे से नहा रहे, ठंडे पानी से कोई बाल्टी भर लो, ठंडा पानी गिरते ही एकदम सुबकी आ जाती है, एकदम पूरा शरीर ऐसे कांपने लगता है। तो मैं तो यार वो वाला काम नहीं करता, मेरे बस की नहीं है ठंडे से नहाना, मैं तो अपना नॉर्मल मस्त गर्म पानी से नहाता हूँ। आप ठंडे से नहाते हो या नहीं सच बताना यार, क्योंकि बहुत लोग ऐसे टेंशन में बोलते हैं कि हाँ मैं नहाता हूँ ठंडे से, और हकीकत में जब ठंडा पानी सामने आता है ना एक मग्गा डालती है ऐसे हो जाता है कब कभी छूट जाती है। तो ये होता है ठंडे पानी और गर्म पानी की कहानी। बट सर्दी आती ही सब गर्म पानी से नहाना शुरू करते हैं। अब गर्म पानी करने के बहुत सारे तरीके, आपको भी पता है, या तो गैस पे रख दो सिंपल कि पानी को हीट मिलनी चाहिए पानी गर्म हो जाएगा, या तो गैस पे रख दो चूल्हे पे रख दो, नॉर्मल सा तरीका वो है, या फिर क्या होता है रॉड जो आती है 150-200 रुपए की रॉड आती है, पानी में रॉड डालो बाल्टी में और पानी गर्म हो जाएगा रॉड से। फिर आते हैं महंगे तरीके जो पैसे वाले लोग हैं कि भाई इसके घर में लगा हुआ गीजर। अब गीजर कौन से होते हैं, गीजर भी दो तरीके के आते हैं, आपने देखा होगा गैस गीजर आता है जिसमें सिलेंडर का कनेक्शन लगता है कि आग जलती रहती है और इंस्टेंट पानी गर्म आता है। फिर आता दूसरा इलेक्ट्रिक गीजर। इलेक्ट्रिक गीजर कौन सा होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब एक टैंक सा होता है उसमें पानी गर्म होता है धीरे धीरे, फिर वो आता है फिर ठंडा हो जाता है फिर वो दोबारा गर्म होगा, ऐसा कुछ होता है। तो ज्यादातर घरों में क्या होता है इलेक्ट्रिक गीजर, मैंने कहा इलेक्ट्रिक गीजर तो सबने देखा, आपने भी देखा होगा। इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर क्या होता है, कभी देखा कि इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर क्या है? तो आज वही करने वाले, एक इलेक्ट्रिक गीजर लेते हैं, ये रहा यहां पे, ये रहा। तो ये इलेक्ट्रिक गीजर है, अब इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज होती है। अब आपको यहां पे देख के पता चल रहा होगा, ये रहा, ये अभी भी इसमें पानी भरा हुआ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे जिस कंपनी का उसका लिखा है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि क्या क्या है। और मैं इधर बता दूँ, कोई भी गीजर होगा ना इलेक्ट्रिक गीजर, आपको उसमें ये चीज़ दिखाई देगी, आउटलेट फॉर हॉट वाटर, यहाँ से गर्म पानी निकलता है और ये इनलेट है, इनलेट वाला यहाँ पे मिट गया, इनलेट लिखा होता है इनलेट फॉर कोल्ड वाटर, यहाँ से नॉर्मल पानी जाता है टंकी का और इधर से निकलता है गर्म पानी, ये होता है। और इधर ये तार लगते हैं बिजली का और गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये इसका टैंक है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। बट आज तक कभी इसको काट के देखा कि यार कैसी बात कर रहा है कि काट के देखा, घर का गीजर थोड़ा ना काटना है, तो वीडियो देखो यार पता चल जाएगा घर का गीजर क्यों काटना। अब इसको हम कट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि गीजर के अंदर सच में क्या होता है, अभी तक नहीं पता था तो पता चल जाएगा। ये कुछ नहीं है फैंसी आइटम, इसका कोई काम नहीं है, दे यार पेज कसती ऐसे नहीं खुल रहा। तो ये आ गई अपनी टूल किट, ये यहां पे, और इसमें हमारे बहुत सारे टूल निकलने वाले हैं, ये रे देखो इतनी सारी चाबियां टूल बहुत सारी चीजें, ये रे छोटे छोटे चाबी पाने हैं। अब इससे इसको हम खोल देंगे, पहले हमें क्या करना है इसको खोलना है। तो ये रहा पेचकस, पेचकस से इसको खोलते हैं, यहाँ पे लगाया पेचकस और इसको खोलना शुरू। तो ये कुछ नहीं है, ये बेकार, इसका कोई काम मुझे लग नहीं रहा। यहाँ पे हथौड़ी, अच्छा यहाँ पे भी है पेच, ये इधर इधर ये देखो ये पेच, इनको खोल लेते हैं। ऐसे खुलेगा, ओए होए जंग लग चुका है पेचों पे, बहुत पुराने हो गए। अगर मैं दूसरी तरफ से खोलता ना जो स्टार वाला होता है, ये फ्लैट वाला अगर स्टार लेता तो क्या होता है यहाँ की चूड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती, जो होते ना ये फ्लैट हो जाता फिर खुलता ही नहीं। ये खुल गया अभी ये वाले, तो गीजर में अभी भी पानी भरा हुआ है, देख रहे हो जो पानी निकल रहा है। तो इधर से ढक्कन खुल गया इसका, ये एक ढक्कन ये खुला और अंदर देखो यार बहुत सारी वायर है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना कितनी सारी वायर है। अब इसको खोल लेंगे ना जब पता चलेगा, तो इसको पूरे को खोलते हैं। ये ढक्कन खुलेगा, खुलेगा ढक्कन, ओके। तो यार इसके अंदर देख रहे हो क्या क्या निकल रहा है यार गीजर के अंदर, बहुत सारी कॉटन जैसी कोई चीज है ये री। अब ये जो यूज होती होगी ना, ये यूज होती होगी इंसुलेशन के लिए, ये जो सारी चीज है ना ये एकदम अलग है, लग कॉटन सी रही है बट है नहीं, जैसे वो आते थे ना बुढ़िया के बाल आते थे खाने वाले, कॉटन कैंडी जो होती है खाने वाली, बिल्कुल वैसी है। टेक्सचर बहुत ज्यादा ऐसे क्रिस्प है,
कॉटन होती है वो सॉफ्ट होती है, बट ये करारा सा है कुछ, या तो सूख के हो गया कि काफी पुराना हो गया। और इस अगर इसको हटा दे तो अंदर देखो टैंक दिखाई दे रहा होगा आपको, कि रहा ये सारा का सारा इंसुलेशन है कि टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहे। ये रहा यहाँ पे टैंक, आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि अंदर पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा, बहुत सारा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अगर इसको हटा दें तो ये पूरा का पूरा ये टैंक। ओके तो ये देखो केसिंग है, ये रहा अंदर से। तो यार ये क्या है, गैस सिलेंडर नहीं आता, छोटे वाला जो गैस सिलेंडर आता है, ये बिल्कुल मुझे गैस सिलेंडर जैसा लग रहा है। आपको लग रहा पूरा का पूरा गैस सिलेंडर वो नीचे होता है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, बट ये पूरा का पूरा स्टोरेज टैंक है, जो पानी गर्म होता है ना वो सारा का सारा यहाँ पे रहता है। पानी गर्म होकर ये है जो आउटर कवरिंग रहती है, ये यहाँ पे सारा का सारा जो है ये इंसुलेशन है जो पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये खाली खोखला जो कवर है इसका, और ये जो देखी ना आपने रुई जैसा जो सारा का सारा, ये रहा इतना सारा इंसुलेशन होता है ये सब, कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, कि जो पानी गर्म हुआ है ना वो एकदम से ठंडा ना हो जाए, ये सारी चीज़ इसलिए लगाई जाती है। ये देख लिया, और ये बेस का ढक्कन था, इसको हटा देते हैं। अब आती है इसकी बात जो मेन था ना, अब इसको देख लेते हैं। इसके लिए यार अब करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी कटिंग, एक एक करके निकालते हैं इनको। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं। पहले इस पत्ती को हटा देते हैं। तो अब ये पत्ती यहां पे कट गई है, और इसके अंदर देखते हैं यहां पे भी इंसुलेशन, मतलब पूरा का पूरा यार जुगाड़ दिया हुआ है जो है ना, सिस्टम ऐसे फिट किया है कि इंसुलेशन पूरा बना रहे, जो पानी गर्म हुआ है वो ठंडा होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये रहा, अगर इंसुलेशन नहीं देंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी पानी ठंडा हो जाएगा, तो मज़ा ही नहीं आएगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। और बाकी जो सिस्टम अब इसका देखेंगे, पहले इसको खोल ले, यहाँ से हटा लें सब। तो अब ऊपर के ढक्कन हटा देते हैं, ये हटा। ये हटा दिया हमने, यहाँ पे था ये जो है ना, ये लाइट लगी हुई थी यहाँ पे, ये जो दिखाती है ना पावर आ रही है या कट ऑफ हो गया, इधर ये बल्ब लग रहा था, इधर एक बल्ब ये रहा एक ही रहा, ये दो बल्ब होते हैं जो सप्लाई दिखाते हैं। और ये मेन वायर जो आ रही है ना, ये मेन वायर थी जहाँ से सप्लाई आ रही है, इसमें अर्थ का तार है, लाइव वायर और न्यूट्रल है, ये रहा ग्रीन वाला अर्थ का, ये लाइव है और ये न्यूट्रल वायर, ये लाइव आया इधर और जो न्यूट्रल था वो इधर गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बना हुआ है, इधर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, पूरा कंट्रोलर यहाँ पे है सारी चीज़। अब इसको खोलते हैं, देखते हैं और अंदर क्या क्या है। तो हमने सारी की सारी वायर वगैरह हटा दी है, अब बस जितने बोल्ट है ना इनको खोल लेते हैं। इसके लिए लगेगी हमारी वापस से टूल किट, इसको ढूंढना पड़ेगा कितने नंबर की चाबी और क्या क्या लगेगा। ये 13 है, 13 वाला यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, 11 नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे बैठेगा 10। 10 वाला कहाँ है, 10 कहाँ है यार, ये लग जाएगा क्या, 10 ही रहा, 10 नहीं लग रहा, 12 लगा है, नहीं 11 लगेगा, 11 नहीं है क्या यार अपने पास, ये रहा 11 नंबर ये लगेगा परफेक्टली। यार मैंने पेंच तो इसके सारे खोल दिए यहाँ पे, बट ये खुल क्यों नहीं रहा, इसमें अभी अंदर पानी है जो यहाँ से निकल रहा है, बट ये पूरा का पूरा ढक्कन अलग हो जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है। करते हैं इसमें और कुछ ट्राई, हो गया तो सील हो गया था यहाँ पे। अब देखो जो मेन चीज़ है ना वो अब आपको पता चल जाएगी कि इसके अंदर क्या होता है। ये देखो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये जो दो पाइप थे
ये रहा एक इनलेट का है, एक आउटलेट का है, ये वाला जो था ये वाला गर्म का था, और ये देखो ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये यू बना हुआ ना, इधर से आए रॉड और ये पूरा का पूरा ऐसे यू बना है, तो पानी इसके अंदर जाएगा फिर घूम के ऐसे बाहर आएगा, और ये यहाँ पे इसमें छेद हो रहा है इधर, ये रहा तो काफ़ी पुराना है, ये पूरे के पूरा ऐसे गल चुका है, देखो कितना ज़्यादा गल गया, जो रॉड है इसकी पूरी की पूरी ऐसे गल गई हैं, टूट गई हैं, पूरा ऐसे ख़राब हो चुका है ये रहा। तो जो गीज़र है ना सारे के सारे जो काम करते हैं, एक नॉर्मल सा तरीका वही है इनके काम करने का, वो ये ठंडा पानी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से जो गर्म निकलता है, जो रॉड होती है ना घर में जो रॉड होती है बिल्कुल वही वही सिंपल यहाँ पे रॉड दी गई है, ये रहा इनमें गर्म नहीं हो रहा पानी, इन पे हो रहा है, ये रहा यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आई ना इससे ये वाली रॉड जो है, जो रॉड गंदी हुई इधर ऐसे गई और इधर ऐसे फैली, ये रही ये एक सिंगल रॉड जो है, ये ही सारा का सारा जो पानी गर्म करती है ना सारा जादू इसका है, ये पूरा का पूरा रॉड का सिस्टम यहाँ पे रहता है, इधर से पानी जाएगा इधर से आएगा, और जो मेन जो गर्म रहता है इतनी देर तक वो सारा खेल किसका है, एक तो बंद रहता है पूरा का पूरा सील्ड रहता है, और बाद में जो ये वाला इंसुलेशन था ना यार, ये जो कॉटन वाला इंसुलेशन था, कॉटन ये इंसुलेशन का कुछ होगा इसका नाम मुझे पता नहीं, अगर आपको पता तो मुझे प्लीज कमेंट में बता देना, मुझे भी पता चल जाएगा ये सारी चीजें क्या है। तो ये इंसुलेशन रहता है जो पानी को पूरा गर्म रखता है, और बाहर का जो कवर था ये आपने देख लिया ये यहाँ पे रहता है, तो तब ये सारा का सारा जो गीजर है ना ऐसे काम करता है। तो आज आपके सामने सारी चीजें खुल गई हैं, और इसके अंदर ये रहा पानी ही पानी है बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी बचा हुआ है और कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है, एक टैंक है जिसके अंदर पानी होता है बस। तो आज आपको पता चल गया होगा कि गीजर के अंदर का राज क्या है। तो अगर मजा आया कुछ ना कुछ एकदम नया हटके देखने के लिए मिला ना कि भाई गीजर के अंदर क्या होता है जो आज तक नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था यार, हम पहले नहीं करते कि वीडियो पहले बना ली कुछ ना कुछ करके देख लिया कि क्या होता है, नहीं जो करना है बिल्कुल एकदम सामने, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन होती है और सब कुछ आपके सामने करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता चले ना कि गीजर के अंदर का राज क्या है, एकदम कुछ हटके एकदम पता चला है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।